और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं शिखा बंदराल ठाकुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से आज मैं नशाबंदी पे बोलना चाहती हूँ। मैं नशाबंदी पे इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ई टेंडरिंग का काम क्यों कर रही है। ई टेंडरिंग करने का मतलब ही क्या है? ई टेंडरिंग का मतलब कि ये एक ढोंग है, ये सबसे बड़ा ढोंग है सिर्फ अपने खजाने भरने का। 25,000 रुपया उसकी फीस रखी है। सबसे बड़ी बात है नशा जो है उसे बंद करने की बात जहां सरकार करती है, जहां कहती है कि एक नशा मुक्त देश चाहिए, एक नशा मुक्त सोसाइटी बनानी है, तो ये बातें कहां ख़त्म हो रही हैं। एक तरफ से बैन की बात होती है, एक तरफ से कहा जाता है कि हम नशे को पूरी जड़ से ख़त्म करेंगे इस स्टेट में, इस इंडिया में, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही सरकार इस नशे को बढ़ावा दे रही है, इस नशे को आगे प्रमोट कर रही है। तो मैं सरकार से सिर्फ यही जवाब जानना चाहती हूँ कि नशे से कितनी 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 मुसीबतें आती हैं ये सरकार भी जानती है। सरकार को शायद इस चीज़ का इतना पता भी नहीं होगा जितना कॉमन पर्सन को पता है। लोगों के घर तक तबाह कर दिए शराब ने। शराबों की दुकानों पर सिर्फ नशा नहीं बिकता है, वहाँ पर सिर्फ नशा ही नहीं बिकने आते, नशा ही नहीं लोग लेने आते, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ होती है कि एक इंसान का घर तबाह हो जाता है सिर्फ एक शराब की वजह से। तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहती हूँ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कि हमारे यहाँ पे नशा बैन होना चाहिए। जैसे गुजरात में, बिहार में ये बैन हो चुका है, लेकिन सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो मंदिरों का शहर कहा जाता है वहाँ पे इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? क्यों यहाँ की सरकार इतने ढीली है? क्यों यहाँ की सरकार कोई स्टेप नहीं उठा रही, कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है इसको बैन करने के लिए? क्यों ई टेंडरिंग हो ही जा रही है, क्यों स्टार्ट की जा रही है? बस यही मेरी अपील है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात आगे पहुँचाएँ। मैं LG साहब से और नरेंद्र मोदी साहब जी से अपील करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू के शहर में नशा बंद होना चाहिए और ये नशा मुक्ति स्टेट बननी चाहिए, नशा मुक्त स्टेट बननी चाहिए। थैंक यू।